तो गाइस मेरी मैगी भी आ गई है, देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MS व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे। राधे राधे सभी को, भोले बाबा की जय। तो गाइस आज मैं हूँ हरिद्वार में, यहाँ पे ऋषिकेश में हूँ और हम सभी पूरी फैमिली हो चुके हैं तैयार और अभी जा रहे हैं हम नीलकंठ बाबा के दर्शन करने। ऊपर यहाँ से 27 किलोमीटर पड़ता है, तो बस सभी लोग रेडी हो गए हैं नहा धो के, बस हम सभी निकल रहे हैं पूरा परिवार। और थोड़ा सा आप लोगों को ना आवाज़ आ रही होगी, पीछे से गंगा मैया बह रही है। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे रूम के बाहर का, यहाँ का बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो बस हम लोग फटाफट से निकल रहे हैं जल्दी से। तो यार बहुत ही प्यारा नज़ारा है, देखिए पीछे का बहुत सुंदर लग रहा है और कल कल करके गंगा मैया बह रही है। तो चलिए आपको मैं आज दूंगी नीलकंठ बाबा का ब्लॉग और फाइनली हम लोगों का आज देखो शायद निकल जाएंगे यहाँ से, अगर जो भी होगा प्रोग्राम, मनसा देवी के दर्शन करेंगे चाहे गंगा मैया के। अभी हरिद्वार होते हुए निकलेंगे ऋषिकेश में, हम लोग रात को यहाँ पर ठहरे थे सभी पूरा परिवार, बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो चलिए अब निकलते हैं नीलकंठ बाबा के लिए और ब्लॉग में बनी रही एंड तक। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग। चलिए चलिए तो बोलते हैं हर हर महादेव। तो भाई ये व्यू है सुबह 5:30 बजे का, देखिए कितना स्वर्ग जैसी गंगा मैया बह रही है नीचे और बहुत ही प्यारा व्यू है। सभी लोग हो चुके हैं रेडी जाने के लिए नीलकंठ बाबा पे, सब तैयार हो गए, रूम कर दिया है क्लोज। चल देखिए सुबह का मॉर्निंग व्यू है। तो गाइस सभी तैयार हो गए हैं और सामान वामान रख रहे हैं, वंश भी हो गया है। हाँ है, मैंने ये बोला था ना पानी डाल लेना इन पे, हाँ वो तो मैं रख लिया था, पानी क्यों डाला मैंने, प्यारी सी है, प्यारी सुंदर सी बगी चली जा रही है। वाइज ऋषिकेश का देखिए ये नज़ारा होता है सुबह मॉर्निंग का, और इसमें हम लोग रुके थे भागीरथी आश्रम में। तो गाइज हम रुके थे यहाँ पे भागीरथी आश्रम में और यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर ही है नीलकंठ बाबा का मंदिर। निकल रहे हैं फटाफट से, आवाज़ आ रही होगी थोड़ी सी, शीशा खोला हुआ है, मॉर्निंग व्यू ले रहे हैं, थोड़ी हवा ले रहे हैं बाहर की। इतने पतले पतले रास्ते हैं देखिए नीलकंठ बाबा के लिए यहाँ पे। तो देख गाड़ी तो ना बहुत सेफ्टी के साथ, अभी तो हम जल्दी निकले हैं तो गाड़ियाँ नहीं हैं, बाकी अगर यहाँ पे जाम लग जाता डबल गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे बरती है जब भी आप लोग इधर की साइड आए। तो देखो वहाँ फोटो देख रहे तो गाइज हम पहुंच गए नीलकंठ बाबा और हमारे गाड़ियां पार्क कर दी हैं इधर। तो गाइज हम नीलकंठ पहुंच चुके हैं और हमारे वहां से जहां से हम रुके थे भागीरथ आश्रम से 27 किलोमीटर ये पड़ती है नीलकंठ बाबा जो हैं ऋषिकेश में, और 12 किलोमीटर वो पैदल जो यात्री आते हैं ना, जो पैदल चढ़ के आते हैं, वो 12 किलोमीटर का रास्ता है। तो बस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भोले बाबा के धाम में, अब दर्शन करेंगे भोले बाबा के। और देखिए गाइस बहुत ही अच्छी बात ये है कि आज सोमवार है
और आज हमें भोले बाबा ने अपने पास बुलाया टीका और देखिए सब आ चुके हैं। कैसो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। नीलकंठ नीलकंठ बाबा की जय। तो भैया आज पहले लेते हैं प्रसाद, प्रसाद चढ़ाएंगे भोले बाबा पे, नीलकंठ बाबा पे। तो गाइस प्रसाद ले लिया है, 151 की ली थी, 151 की थाली है ये। तो गाइस भोले बाबा कर लिए दर्शन और सभी लोगों ने बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए। कौन से महादेव के दर्शन करें? नीलकंठ महादेव के। तो चलिए सब लोग बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। तो बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए और निकल गए पूरा परिवार, जल्दी कर लिए फटाफट से। मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है, मन प्रसन्न है। अरे मेरा भाई है, बहुत मजे लेता है, बहुत ही ज्यादा। चलिए अब सब लोग निकल रहे हैं बाहर। इतना मजा आ रही है, इतना मजा आ रही है, अब के बताऊं मैं, तू ही बोल ले। इतना मजा आ रही है भोले बाबा के फर्स्ट टाइम दर्शन किए नीलकंठ बाबा के। फोटो हो रही है, चलो फोटो। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले ले डंडी ले लो, चलो चलो डंडी का बूढ़ा है वो तो ना। जब आप उसे मारपीट कर रहे तो डंडी ले लो ना, मारपीट करिए कुछ बढ़िया बनी जी, बढ़िया पड़ेगी भूजा पट्टी तक। बहुत सी देर ना नहीं से मांगो, क्या हुआ पैसा हो गया गाड़ी में चिपका रही है, ये सबसे मगन रखते खाए ले लो। ये रही ना गणेश भगवान की, ये देखिए सांप कितना शौक है, गले में बांध लिया ये। हैं बेटा गले मत बांध, लग जाएगी चोट बाबू, रहने दो। ये बहुत जोर से ना रहा, यही चुप बैठी रहो, रुक के बनाता रहो। चलो मरना है, चलो नहीं है।
अच्छी है सर। तो गाइस सभी लोग पी रहे हैं चाय नाश्ता। तो गाइस हम सभी लोग रुके हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, नीलकंठ बाबा के दर्शन करके, भोले बाबा के दर्शन करके। और देखिए आपको व्यू दिखाती हूँ कितना प्यारा। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही ज्यादा पहाड़ों में ही बिल्कुल खड़े हुए हैं हम लोग और नाश्ता कर रहे हैं आज पहाड़ों में। बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारे हैं स्वर्ग। देखिए देव उत्तराखंड को देवनगरी ऐसे ही नहीं बोला जाता है, है भी है। तो गाइस आ गई है चाय, चाय आज पहाड़ों में बैठ के पीते हैं चाय। मजा गरम गरम है। क्या मजा आया अभी वहां चल रहे हो तुम सब सारे दीदी इतना है भैया। ये रुद्राक्ष, रुद्राक्ष ऐसा ब्लैक कलर का रुद्राक्ष तो ये होता है ना, ये फल है रुद्राक्ष का। गाइस ये रुद्राक्ष फल है ये वाला, अच्छा इसके अंदर से निकलता है। यहाँ पे भोले बाबा से रिलेटेड शिवलिंग मिल रही है, रुद्राक्ष की मालाएं मिल रही हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ। डमरू ले सकते हैं और ये देखिए टीका वगैरह लगाने के लिए। तो गाइस सबका हो गया है ब्रेकफास्ट और अब हम निकल चुके हैं नीलकंठ बाबा से नीचे। नहीं हुआ, खूब चिप्स लेकर आए, फ्रूटी लेकर आए और अब देखते हैं गाइस अब कहाँ के लिए निकलते हैं। अब वो सब आप लोगों को वीडियो में पता लगता रहेगा कि कहाँ जा रहे हैं क्या। वैसे तो हमारा हरिद्वार का ही है हर की पौड़ी, अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। गाइस बच्चों को खानी है मैगी, अभी इन लोगों ने वहाँ पे थोड़ा हल्का ही नाश्ता किया था तो बस अब खानी है इनको वेजिटेबल मैगी। पहाड़ में बहुत बढ़िया मिलती है यहाँ पे वेजिटेबल मैगी। और ये सब हम तो गाइस ये सोच रहे थे चलो सौरभ जोशी के एरिया में घूम रहे हैं तो सौरभ जोशी से मिल लें, बट क्या है कि पूरा परिवार है साथ में इस वजह से, तो सौरभ जोशी यहीं पर रहता है भाई। मेरा तो बनता है मैं कह भी रही थी हस्बैंड से चलो सौरभ जोशी से मिल के चलते हैं, और अक्सर हम सौरभ जोशी की वीडियो वॉच करते हैं पहाड़ की, यहाँ की तो पहाड़ की वीडियो वॉच करते हैं, वो मैगी वगैरह खाते हुए आते हैं उसमें अपनी वीडियो में। तो बस आज हम सौरभ जोशी के एरिया में ही घूम रहे हैं और यहाँ पे मैगी वगैरह बनवा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं मैगी और वेजिटेबल मैगी इंजॉय करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दिखाऊंगी। चलिए देखिए सभी लोग बैठ गए हैं हमारे परिवार के खाने के लिए मैगी। तो देखिए एक एक करके ये लोग मैगी खाने के लिए बैठ गए हैं सारे। दावत आ रही है, सौरभ जोशी ब्लॉग चल रहा है यहाँ पे, सौरभ जोशी ब्लॉग। सो गाइस आई सिद्धू मूसे वाला, सो गाइस फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है, बनी रही है। बस बस बहुत 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 बहुत। तो लड़की की भिंडी करते हुए रब्बा चौधरी भिंडी तो क्या हुआ, बैठ जाती है यहाँ के पापा बैठ जाते। तो गाइस यहाँ पे बन रही है वेजिटेबल मैगी हम लोगों के लिए। सब्जियाँ क्या क्या डालते हो इसमें, शिमला मिर्च टमाटर, शिमला मिर्च टमाटर और प्याज। तो गाइस यहाँ पे चल गया इनका नाश्ता, मैगी खा रहे हैं मस्त आराम से। और ये इसने पी लिया कंचे वाली बॉटल, गांठ मरवाई थी इन पे, मरवाई गांठ आम को चला और वहाँ पे खुल गया खाना घर का। क्या फैल गया दीदी, मम्मी पापा भी आ गए। तो गाड़ियाँ लगा दी हैं इधर, एक लगा दी उधर। तो गाइस ये देखिए गुलाब जामुन चल रहे हैं यहाँ पे, एक मैं अभी देख लेती हूँ ये किसने खाया है। तो गाइस आप लोग भी गुलाब जामुन खा लीजिए। अभी हमारे गुलाब जामुन चल रहे हैं, मम्मी भर लाएंगी डब्बे में बहुत सारे, ढेर सारे गुलाब जामुन और बर्फी, तो मिठाई हमारे साथ के साथ चल रही है। तो गाइस मेरी मैगी भी आ गई है देखिए।
तो गाइस अभी ऋषिकेश से आ गए हैं और आ गए हैं यहाँ पे गंगा मैया हरिद्वार हर की पौड़ी। अब देखते हैं नहाएंगे कहाँ, बट आ गए हैं गंगा जी पे फिर से दोबारा से। चलिए अब पड़ रही है धूप, काफ़ी गर्मी और अब सभी लोग नहाएंगे। तो गाइस हम पहुँच गए यहाँ पे वीआईपी घाट है। हम लोग पहले भी यहाँ पे आए हैं और नहाए हैं काफ़ी, मतलब यहाँ पे थोड़ी पब्लिक कम रहती है और अच्छा जल, बढ़िया जल बह रहे हैं और सुविधाएँ भी हैं यहाँ पर, चेन वगैरह अच्छे से लगी हुई है। तो यहाँ पे आते हैं। तो आज बहुत टाइम के बाद इस वाले घाट पे आए नहाने, पर आप लोगों को ना आवाज़ शोर बहुत आ रहा होगा कि माइक की हो गई है बैटरी लो तो शोर आ रहा होगा, आप लोग कर लीजिए कॉम्प्रोमाइज। चलिए अब नहाएंगे सभी लोग यहाँ पे। तो गाइस ये है वीआईपी घाट, इस पे हम पहले भी आ चुके हैं। तो इस जगह पे नहाएंगे गाइस हम यहाँ पे, वीआईपी घाट के नाम से फेमस है ये। तो गाइस यहाँ पे पापा भर रहे हैं गंगा जल। तो गाइस नहा चुके हैं हम सभी लोग और बस अब जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों पे और खाएंगे खाना पीना लंच बस, और देखते हैं अब किसका क्या प्रोग्राम रहता है, मनसा देवी पे जाते हैं या नहीं जाते, चंडी देवी पे जाते हैं या नहीं जाते। तो बस ये सब चीज़ें अब सभी लोग मिलके डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब हम अकेले आते हैं तो खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन जब परिवार के साथ आ रहे हैं तो भैया सबकी कहना मानना पड़ता है, सबकी मर्जी माननी पड़ती है। तो बस सभी लोग हम निकल लिए नहा के, कम से कम गाइस हम दो घंटे हमने गंगा जी में लगाए हैं, गंगा जी में हम नहाए हैं। और जब भी हम इस साइड वीआईपी घाट आते हैं ना तो खूब एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वीआईपी घाट पे सेफ्टी बहुत है, कोई डर नहीं है। बाकी ये है कि इस टाइम गंगा मैया में बहुत बहाव है, ये इतना तेज़ बहाव है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा चल रही है। लेकिन क्या है कि वीआईपी घाट पे आज तो पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग जब आते हैं तो एंट्री बड़ी मुश्किल होती है मिलना, बट क्या है कि आज मिल गई है और बस मिल गई है। तो काफ़ी इंजॉय किया पूरे परिवार ने, कम से कम 2 घंटे तक नहाए, काफ़ी अच्छा लगा। और बस फाइनली अब निकल लिए और अब आएंगे, देखिए इसी साल मई जून में आना होता है हमारा। और देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग गंगा मैया के, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top, we're gonna be. तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं रोड की अपनी लस्सी वाले पॉइंट पे। ये देखिए हर बार जब भी हम हरिद्वार से यहाँ से वापस जाते हैं ऋषिकेश से, तो ये लस्सी ज़रूर पी के जाते हैं। जब भी आप मेरे हरिद्वार वाले ब्लॉग देखेंगे तो लास्ट में ये लस्सी का कप, ये कुल्लड़ ज़रूर देखेंगे। और सभी पी रहे हैं परिवार में और सबको, घर में बहन भाई सभी को ही इनको फर्स्ट टाइम पिला रहे हैं सबको, देखो सबको पसंद आएगी, बढ़िया। हमने कहा भाई लस्सी ज़रूर पिला के ले जाएंगे आप लोगों को सबको।
तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो इधर की साइड जैन सिकंजी वाला बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे ना पटियाला लस्सी वाला है, ये रुड़की में ही। आप लोग जब इधर आए तो पटियाला लस्सी वाले से लस्सी जरूर पिए। चलिए एंजॉय कर लेते हैं। तो गाइस लस्सी पी रहे हैं, देखिए आ गई है, रुड़की में मिलती है ये वाली लस्सी, मलाईदार बढ़िया। तो गाइस अब हो गई है रात चलते चलते, और बस हम लोग रुके हैं अब खाना खाने के लिए। रात के बज गए हैं नौ बज गए हैं रात के, बस पहले खाना खा लेते हैं, भूख लग गई है सबको, और खाना खा के फिर निकलेंगे अपने अपने डेस्टिनेशन। चलो चलो गाइस, खाना खाने के लिए रुके हैं और गाड़ी पार्क कर देंगे अब, दो वहाँ हो गई, लोग बैठ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए, कुछ उधर बैठ गए जेंट्स डिपार्टमेंट, बच्चे वगैरह यहाँ पे बैठ गए। तो गाइस यहाँ पे सभी का खाना स्टार्ट हो गया है, बच्चों का रोटियाँ आएंगी अभी। तो गाइस सब ने खाना खा लिया है यहाँ पे, तो गाइस ये देखिए यहाँ पे चल रहा है बहुत बढ़िया पानी, मस्त ट्यूबवेल वाला। So guys, अब है नेक्स्ट इवनिंग, और कल हम लोग आ गए थे गंगा जी से नहा के, स्नान करके ऋषिकेश नीलकंठ बाबा सब जगह गए थे, और बस फाइनली सारे काम हो गए कंप्लीट, भागवत कथा रिटायरमेंट बहुत सारी। अगर आप लोगों ने ब्लॉग ना देखे हो तो आप लोग जाके देख लीजिए। गंगा जी से फिर लास्ट में नहाना होता है गंगा जी, तो बस पहले हम कलकत्ती गए थे, अब लास्ट में हुआ है हरिद्वार ऋषिकेश, पूरी फैमिली हो गए ना, नींद छूट ही नहीं रही है, सोए जा रहे हैं। अभी देखते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। तो बस आई होप आज का ये गंगा जी का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन, हर हर महादेव।